सूरज जी, आज आप सिर्फ एक बात पकड़कर बैठे हैं। संध्या ने जो कुछ भी किया वो अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए, इंसानियत के लिए किया। सूरज जी, एक बार इस घर से बाहर कदम रखकर देखिए, अखबार पढ़िए, टीवी देखिए, चारों तरफ संध्या की बहादुरी के चर्चे हो रहे हैं, उसकी जय जयकार हो रही है। एएसपी संध्या राठी के नाम के हजारों सैकड़ों फोन आ रहे हैं बधाई देने के लिए। अरे ये बात सुनकर तो एक पति होने के नाते आपको खुश होना चाहिए। हीरा है मेरी बहन, हीरा। सूरज जी, मैं समझ सकती हूँ कि भाभा को ऐसी हालत में देखकर आपको कितनी तकलीफ हुई होगी, पर आप ही क्या, दुनिया का कोई भी बेटा अगर अपनी माँ को ऐसी हालत में देखेगा तो उसे बहुत तकलीफ होगी। ये तो सिर्फ एक हादसा था, और हादसे पर तो किसी का वश नहीं चलता। आप संध्या को इसके लिए दोषी मत मानिए। सूरज जी, संध्या आपसे बहुत प्यार करती है, वो अधूरी है आपके बगैर। हमेशा से संध्या ने हमसे ज्यादा इस घर को अहमियत दी है, हमसे ज्यादा समझा है, हमसे ज्यादा माना है। समय ने एक बार उससे उसकी सारी खुशियां छीनकर उसे अनाथ बना दिया था। उसे दोबारा अनाथ मत बनने दीजिए सूरज, प्लीज उसे दोबारा अनाथ मत बनने दीजिए। अंकिता जी, मैं बहुत खुश हूं कि आप लोग अब पुष्कर आ गए हैं, और इससे खुशी की बात यह है कि संध्या अकेली नहीं है, उनके भाई उनसे बहुत प्यार करते हैं। और आपने भी हमेशा एक माँ की तरह उन्हें प्यार दिया है। ये आप लोगों का प्यार ही है जो आपको यहाँ पे खींच के लाया, पर ऐसे तो रिश्ते होते हैं। आज मैं आपके रिश्ते की कदर करता हूँ, जैसे आप अपना रिश्ता निभा रहे हैं, ऐसे मैं अपने परिवार के प्रति अपना रिश्ता निभा रहा हूँ। सूरज जी, मैं कुछ समझी नहीं। अंकुर जी, अंकिता जी, ये वही सूरज है जिसने आपकी बहन के सपने को अपना सपना बनाया, उसके लिए कदम कदम पर त्याग किए, ये वो कभी भूल ना पाएगा कि जब एएसपी संध्या राठी की सारा जगत जय जयकार कर रहा था, तो उसकी माँ अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। आपकी बहन हीरा है, हीरा, पर देश के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, सूरज और उसके परिवार के लिए ना। आप शायद ये भूल रहे हैं कि हीरा ही सबसे कठोर पत्थर हो गए। कैसे इंसान है आप, ऐसा लगता ही नहीं कि आप कुछ सोचना या समझना भी चाहते। माना आपने एक अनाथ का सपना पूरा किया, आज जो कुछ भी है आपके इस परिवार की वजह से। तो खुशियां देख के वापस छीन लेना, अरे ये कहां का न्याय है? क्या कुछ नहीं किया उसने आपके परिवार के, तो आप भूल गए? एक हादसा हुआ और आप सबने मिलकर उस हादसे का गुनाह मेरी बहन के सर थोप कर उसे सजा सुना दी, बस। माफ कीजिएगा सूरज जी, मेरी बहन ने जो किया उस देश के लिए किया, इंसानियत के लिए किया। और आप सब मिलकर जो आज उसके साथ कर रहे हो ना, उसमें केवल आपका स्वार्थ है और कुछ भी नहीं। माफ कीजिएगा सूरज जी, अंकुर की बात को दिल से मत लगाइएगा। सच बात तो यह है कि संध्या का दुख देखा नहीं जा रहा है उनसे। सूरज जी, अगर मैं बात करूं तो शायद संध्या मेरी बात मानकर जॉब छोड़ दे। बस
संध्या को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कभी अपने बारे में नहीं सोचती है। वो इस घर में आएगी, बाबू और पूरे परिवार की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करेगी, इस घर की बिन्नी के सारे फर्ज निभाएगी। मैं उसे समझाऊंगी, अच्छी तरह से समझाऊंगी मैं उसे। सूरज जी, अंकिता जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? जरा आप ये बताइए कि अगर कोई आज मुझसे कहे कि मैं अपने हलवाई का काम छोड़ दूं, तो कैसा संभव है? नहीं, क्योंकि वो मेरा वजूद है, मेरी पहचान है। तो आप कैसे सोच सकती हैं कि मैं चाहूं कि संध्या अपना काम छोड़ दे? क्योंकि वो संध्या की पहचान है। इसलिए बेहतर यही होगा कि वो अपनी पहचान के साथ जिए, मैं अपनी दुनिया में। देखिए, अब ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। अब मेरा फैसला नहीं बदल सकता। आप मेरी बहन के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं सूरज जी। मेरा बेटा आपकी बहन के साथ कोई नाइंसाफी नहीं कर रहा है अंकुर जी। हम बस यही चाहते हैं कि बस चैन से जी सके, और इसलिए मारे सूरज ने यह फैसला किया है। क्या मारे बेटे ने अपनी जिंदगी का कोई फैसला लेने का अधिकार नहीं? बाबू, एक बार ठंडे दिमाग से सोच के देखिए। संध्या को उस अपराध की सजा मिल रही है बाबू, जो उसने किया ही नहीं है। एक ब्याहता औरत के लिए इससे बड़ी और कोई सजा नहीं है बाबू, आप तो समझ सकती है ना बाबू। सजा तो मेरी भाभो भुगत रही है अंकिता जी। मेरी भाभो की एक किडनी चली गई आज। और नहीं तो क्या, पूरे 9 लाख रुपए खर्च करे हमने, तब जाके भाभो ऐसी स्थिति में आई है। पता है अस्पताल में मरने तक की नौबत आ गई थी। मीनाक्षी, तो असल बात इन 9 लाख रुपयों की है। सूरज जी, आपने मुझे पहले बताया होता, अरे भाभो को मैं अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ले जाता, अच्छे से अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाते, बेहतर इलाज करवाते उनका। अब इन पैसों की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। बस कीजिए अंकुर जी, बस कीजिए। ये पैसों की बात करके हमें इतना नीचे मत गिराइए। मेहरबानी करके एक शब्द की आके मत बोलिए। बस आप यहाँ पे संध्या के भाई की हैसियत से आए, तो कम से कम रिश्तों की मर्यादा में रह के बात कीजिए ना। मर्यादा को पीछे छोड़ एक व्यापारी बन के बात करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप रिश्तों को ऐसे एक व्यापारी की तरह देखेंगे ना, तो शायद मैं भी जिंदगी में आपका मान सम्मान कभी नहीं कर पाऊंगा। सूरज जी बस, एक में मिला हुआ मान सम्मान मुझे भी नहीं चाहिए। आज मैं आपकी आगे गिड़गिड़ा रहा हूं, मिन्नतें कर रहा हूं, आपको और आपके पूरे परिवार को सम्मान दे रहा हूं, तो सिर्फ इसलिए कि आपके इस परिवार ने एक परिवार की तरह संभाला है मेरी बहन को। लेकिन यह हक मैंने आपको कभी नहीं दिया कि आप मेरी बहन या मेरे स्वाभिमान का सौदा कर सके या उसे ठेस पहुंचा सके। आज मैं एक बात मान गया कि सारे घर ने मिलकर एक एक तरफा जिद पकड़ ली है। मैं आगे से आपसे बिल्कुल विनती भी नहीं करूंगा मेरी बहन को घर वापस लाने के लिए। सूरज जी, आपकी पत्नी और इस घर की बहू होने के अलावा भी मेरी बहन की एक पहचान है, ASP ऑफ पुष्कर पुलिस। एक चमचमाता भविष्य खड़ा है उसके आगे, उस पर आप करें ना करें मगर सारा देश गर्व कर रहा है। और आज वो अकेली नहीं है, उसका भाई उसके साथ खड़ा है। पागल ही था मैं जो इसे अपना परिवार समझकर यहां आप लोगों से बातचीत करने चला है। ये सोचा कि शायद इस रिश्ते को जिंदा रखने का कोई ना कोई उपाय निकल आएगा, लेकिन आपका बर्ताव देखकर लगता नहीं कि आप किसी भी कोशिश के लायक हैं। तो फिर इस नाम की रिश्तेदारी का क्या फायदा? आज मैं संध्या का भाई, आपसे और आपके इस घर से हमेशा हमेशा के लिए सब रिश्ते तोड़ने जा रहा हूं।
ही वो अब आपकी पत्नी है और ना ही इस घर की बहू। और सूरज जी, सच्चाई तो ये है कि आप और आपका ये घर संध्या के लायक ही नहीं है। चलो अंकिता, हम यहां इन सबसे बात करने आ गए, हमारी सबसे बड़ी भूल थी। जो आइंदा कभी नहीं होगी। बाबू, सूरज जी, बाबू। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।